मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा, आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि यह एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ने कहा है दिनेश अनिल जी के बारे में, वो अत्यंत निंदनीय है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है, वो अपर्याप्त है। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। ये अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है, दिनेश अनिल जी का तो अपमान ही है, पर हम सबका अपमान है। सबसे पहले तो ये जो सांसद है, जिस तरीके से भारत के ही नागरिक को और जो भारत की मिट्टी में ही जो जन्मे हैं उनको इस तरीके से अशब्द जो बोलने का काम किया, हम तो चाहेंगे कि सरकार उनका जो सदस्यता है उसको रद्द करे।